मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश अनुसार जनजीवन हरियाली को लेकर सुपौल में मानव श्रृंखला का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के गांधी मैदान में मानव श्रृंखला को लेकर सभी स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। जगह जगह स्काउट गाइड के बच्चों ने भी झांकी निकाली। बच्चों ने रंगोली के माध्यम से भी जनजीवन हरियाली के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया। वहीं कहीं कहीं लोगों ने हाथ में बैनर लेकर CAA और NRC का भी विरोध किया। लोगों का कहना था कि हम मानव श्रृंखला के खिलाफ नहीं है, मगर NRC और CAA के खिलाफ है। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद, जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। सुना होगा आपकी मीडिया में छपा है कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज्यादा क्षति है। इस खतरे को मीट करने के लिए बिहार ने एक आगे कदम बढ़ाया है। इसको सारी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है और बिहार का इतिहास तो अपने आप में पहले भी रहा है। यहाँ बुद्ध ने मानवता के कल्याण के लिए, भगवान महावीर ने, कि ये एक बड़ी योजना जो है ये बिहार की धरती सोने का मामला है। ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। इसलिए आम जन, ये कोई पॉलिटिकल इशूज नहीं है, ये आम जिंदगी को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टालने के लिए बहुत बड़ी है। सर, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहे चुनावी मौसम है। ना समझ लोगों को मैं क्या कहूँ। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में सभी दल के माननीय सदस्यों ने बैठ के इस निर्णय को किया कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। मानव जब रहेगा तभी ना पार्टियाँ रहेगी। और आज उनको क्या हो गया पता नहीं, कुछ वो जाने। असर शिक्षकों ने भी विरोध कर दिया पूरे बिहार में। जिस किसी ने भी विरोध किया, उन्होंने मानवता के प्रति अन्याय करने का काम है, उसको इतिहास कभी माफ नहीं। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट।